हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैं आ गई हूँ अपने पार्लर में, और मेरा पार्लर कुछ इस तरह का ही है जैसे मैं दिखाती हूँ रोज़ ओपनिंग अपनी दुकान की। तो यही है बस पार्लर, और पार्लर आकर और बस अपने पार्लर में आकर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, अपना कैमरा ऑन कर दिया है। तो अब बस जैसे कि मैं बोल रही थी, हाय फ्रेंड्स, आई एम कमिंग। मैं आ गई हूँ अपने पार्लर में, देखते हैं आज की क्या क्या तैयारी होती है, शुरू करते हैं काम। तो बस तैयारी क्या होती है, बस साफ सफाई के बाद में मेरे कस्टमर आ गए थे, तो मैंने इनका थ्रेडिंग, अपर लिप्स और चिन एरिया जो भी है थ्रेड किया मैंने इनका। और उसके बाद में बस फिर सिलाई करने बैठ गई थी मैं, कटिंग की पहले फिर सिलाई की, और उसी की तरह बस रोज़ की तरह जिस टाइम पे सिलाई का कस्टमर आता है तो सिलाई कर लेती हूँ, और कोई ब्यूटी का कस्टमर आता है तो मैं ये थोड़ी देर के बाद में मेकअप कराने के लिए आई थी कोई, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर इनका लुक है, तो आप देखना और मुझे कमेंट करना कि कैसा लगा इनका लुक। ये दो थे, एक का मैंने पहले कर दिया था और एक का ये मैंने बाद में किया, तो आप बताना मुझे इनका लुक आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। तो इनका मेकअप करने के बाद हमें भी शाम को बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैं कैसे हो आप सब लोग, शाम के लिए तैयार हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ एक शॉट हो जाए। हाय बोलती है, अपना लुक शेयर किया मैंने आपके साथ। मैं जब कहीं पार्टी में जाती हूँ तो दूसरे तरह का ही करती हूँ अपना लुक सिंपल, बट कभी कभी जब पार्टी या कहीं जाना होता है कैसा लगा उनका। चलो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे पार्टी में। एक फ्रेंड है तो उसकी बेटे का बर्थडे है, तो बस मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो रखी हूँ। तो मैं आपको दिखाऊं, जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। कैसी लग रही हूँ? कैसी लग? अरे 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 भाई, ये तो मिलो, इनसे तो मिलो। ये कौन है? ये मेरा बड़ा बेटा है भाई, यहाँ आ जाना। क्यों सर मारा? फैंस लोगों से हाय बोल दे। हेलो दोस्तों, ये मेरा बड़ा बेटा है। और आदू यहाँ, आदू ओके। तो रेडी पार्टी में जाने के लिए? यस यस। तो अब चलते हैं पार्टी में। हाजी मेरे मंदिर देखो, मेरे मंदिर में दिया जल रहा है, सुंदर है ना मेरे मंदिर। चलो चलो, ये देखो हम बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और इनकी मैडम की क्या बांधनी है? साड़ी। साड़ी जाने से पहले मैंने इनका मेकअप किया थोड़ा बहुत, और ये टचअप किया, तैयार किया बर्थडे पार्टी। बर्थडे में जाने के टाइम पे तैयार होने आ गई थी, तो इनका मैंने कुछ इस तरह से लुक क्रिएट किया। तो फ्रेंड्स बताइएगा जरूर कैसी लग रही है ये। वैसे बहुत प्यारी लग रही थी ये। बस बस, तो ये देखिए हो गई है रेडी। कैसी लग रही है? बढ़िया। उसके बाल ना बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि हाईलाइट है ना पहले से उसके बालों में, तो कुछ इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया मैंने, तो बहुत प्यारी लग रही थी ये। और फ्रेंड्स इनका तो हो गया है बढ़िया करके मेकअप, हम चलते हैं। तो थोड़ी सी हमने जाने से पहले बर्थडे के लिए थोड़ी शॉपिंग की, और ये हम शॉपिंग कर रहे थे जहाँ से हम बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिया। ये मेरे हस्बैंड है साथ में, और हम बर्थडे के लिए गिफ्ट ले रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपके साथ इतना कुछ शेयर कर रही हूँ। बस पहुँचते हैं बर्थडे में। ये है मेरी फ्रेंड जिसके बेटे का बर्थडे था, काफी लेट पहुँची थी मैं। ब्लॉग है बर्थडे पार्टी का। ये देखो केक लाई है ये मेरे लिए, एकदम बढ़िया कर लिया एंजॉय है ना। बच्चों कैसी रही बर्थडे पार्टी, सब बताओ। बढ़िया रही है। बढ़िया एकदम बढ़िया। अच्छा चलो आ
अच्छी बात है। क्या लाओ बताओ जल्दी, चिल वाले हाँ फ्रेंड्स केक आ गए हम। इसको भी रख ले, उनको भी रख ले, सबको रख ले, मैं इसको तो ले जा लूंगा ऐसे। इन्हें बहुत पसंद है ना बच्चे, गुड़िया। अरे वाह, वेरी गुड, एंजॉय किया, डांस वांस किया, बस हम भी अब घर आ गए हम। सो मच गाइस, बाय बाय।